राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पीसी के दौरान गोलीबारी हुई है। फायरिंग में गोगी गैंग का सरगना जितेंद्र गोगी मारा गया है। यही नहीं, इस दौरान 3 से 4 अन्य लोगों को गोली लगने की खबर है। वहीं इस फायरिंग की घटना से रोहिणी कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक टिल्लू गैंग के जितेंद्र गोगी की हत्या की गई है, जबकि दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा है कि यह गैंगवार नहीं है बल्कि 2 बदमाशों ने गोगी गैंग पर हमला किया है। जानकारी के मुताबिक वकील की ड्रेस में आए 2 बदमाशों ने दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी पर गोलियां चलाई। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद गोगी को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं कोर्ट में हमले के दौरान पुलिस ने गोगी पर हमला करने वाले पर जवाबी फायरिंग की। इस दौरान 50,000 के इनामी राहुल समेत एक और बदमाश ढेर हो गया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए गैंगवार में नामी बदमाश जितेंद्र गोगी की मौत हो गई है। गोगी बेहद कुख्यात बदमाश था, जिस पर हत्या, जबरन रुगाही और पुलिस पर हमला करने जैसे तमाम मामले दर्ज थे, जबकि उसे पिछले साल दिल्ली पुलिस की टीम ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। उस वक्त उसके साथ 3 अन्य साथी भी गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तारी के समय उस पर लगभग 8,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह हमला कोर्ट रूम संख्या 207 के अंदर हुआ है, जहां गोगी को पेश किया गया था, जबकि हमलावर पहले से ही वकील बनकर बैठे हुए थे। गोगी को जैसे ही पुलिस टीम अंदर लेकर पहुंची, हमलावरों ने गोली चला दी। वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें हमलावरों को मौके पर ढेर कर दिया गया।